इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में हुए एक्सीडेंट में 5 वर्षीय बच्चे की मौत के मामले में ट्रैक्टर चालक के खिलाफ पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल शनिवार शाम मल्हारगंज थाना क्षेत्र में निगम के टैंकर ने फराज को रौंद दिया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना थाना चंद्रनगर से चुकी है। इसमें फरियादी ने रिपोर्ट लिखवाई थी कि उसकी लड़की के साथ एक व्यक्ति ने घुमाने ले जाने के बहाने उसके साथ छेड़खानी की, जिस पर से मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये कौन का मामा लगता है? जी कौन लगता है इसमें? इसमें इसका रिश्तेदार ही है। उपनिरीक्षक विशाल पर्याप्त थाना चंद्रनगर। इंदौर के चंद्रनगर थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई थी, जिसमें एक 10 वर्ष की भांजी के साथ मामा ने ही छेड़छाड़ कर दी। पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी मामा को गिरफ्तार कर लिया है। घटना थाना चंद्रनगर से चुकी है। इसमें फरियादी ने रिपोर्ट लिखवाई थी कि उसकी लड़की के साथ एक व्यक्ति ने घुमाने ले जाने के बहाने उसके साथ छेड़खानी की, जिस पर से मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये कौन इसका मामा लगता है? जी कौन लगता है इसमें? इसमें इसका रिश्तेदार ही है। उपनिरीक्षक विशाल पर्याप्त थाना चंद्रनगर। इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में आदतन अपराधी लोगों से हफ्ता वसूली के लिए दबाव बना रहा था। फरियादियों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल यह घटनाक्रम जिंसी और मल्हार पलट क्षेत्र का है, जहां पर कि एक आदतन अपराधी जुनैद, जो कि वर्तमान में चंदन नगर क्षेत्र में निवास करता है, उसके द्वारा हफ्ता वसूली के क्रम में कुछ लोगों को परेशान किया गया और उन्हें धारदार हथियार दिखाकर धमकाया भी गया है। इसकी रिपोर्ट थाने पर प्राप्त होने पर इसमें कड़ी कार्रवाई की गई है। इसमें धारा 327 सहित अन्य धाराओं के अंतर्गत उक्त आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर इस प्रकरण में भी चालानी कार्रवाई की जाएगी और साथ ही उसके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए उसके विरुद्ध पृथक से कड़ी प्रतिबंधक कार्रवाई भी हम कर रहे हैं। इंदौर में लगातार एरोटन थाना क्षेत्र में वारदातें बढ़ रही है। ऐसे ही कुछ संदिग्ध के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिसमें कुछ संदिग्ध घर की रैकी करते दिख रहे हैं। फरियादी ने थाने पर शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल यह है घटनाक्रम थाना एरोड्रम क्षेत्र के गरीब नवाज कॉलोनी का है, जहां रहने वाले स्थानीय नागरिक के द्वारा इस आशय का एक लिखित आवेदन थाना पर दिया है कि रात्रि में एक ऑटो से कुछ लोग उतरे और उसके घर के आसपास संदिग्ध परिस्थितियों में घूमते हुए कैमरे में आए हैं। पुलिस ने संबंधित का आवेदन प्राप्त किया है, आवेदन जांच में लिया गया है, सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त किए गए हैं और वस्तुतः तथ्य क्या थे, क्या किस तरह का यह घटनाक्रम है, यह जांच पर ही स्पष्ट हो सकेगा। अभी इस आवेदन की जांच जारी है। इंदौर के चंद्रनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त थी, जिसका इलाज भी चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने मार्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया है। मृतिका है श्रीमती नसीम बी पति मोहम्मद रशीद पठान, 35 साल, इस सेक्टर नाले पार, चंदन नगर की। क्या करा है इन्होंने? कल शाम 4 बजे के आसपास के समय की बात है, इन्होंने अपने घर में गमछे से छत से पाइप के सहारे फांसी लगा कर अपनी जान दे दी। क्या कारण आया? अभी तो स्पष्ट कारण नहीं आया है, लेकिन परिजन और ये बता रहे हैं कि बाणगंगा मेंटल अस्पताल में इनका इलाज भी चल रहा था, उनके भाई ने बताया जो खंडवा से आया है, और 2 वर्ष पहले इनका लड़का किसी कार एक्सीडेंट में मारा गया था असमय, तो उससे भी तनाव में रहती थी और थोड़ा सा मेंटल होने से, तनाव में रहने से उसने आत्महत्या फांसी लगा कर ली।